नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाला है कि जो ये गोलू राजा और अनुपमा यादव, ये दोनों का जो ये विवाद था अभी कुछ दिन पहले, स्टेज पे गोलू राजा ने अभद्र बातें बोल दी थी अनुपमा यादव को, इसको लेकर बहुत ही बड़ा विवाद हुआ था, बहुत ही बड़ा एकदम मतलब बात हो गया था। और अनुपमा यादव इसके लिए लाइव भी आ गई थी और लाइव आके गोलू राजा को मतलब तंच पे तंच कस रही थी और गोलू राजा को अनेकों प्रकार की बातें बोल रही थी कि गोलू राजा स्टेज पे अश्लील बातें बोलते हैं, हम उनको अपना भाई मानते हैं, उनको कभी भी दिल दुखाने वाला बात नहीं बोले हैं और वो हमेशा दिल क्या सब कुछ दुखाने वाला बात बोल देते हैं। तो ये बात आप लोग साफ साफ समझ लीजिए कि जब बात विवाद इन लोगों के बीच होता है, झगड़ा होता है, आपसी विवाद, तो ये लोग लाइव आके इतना गुस्सा दिखाते हैं एक दूसरे के प्रति, लगता है कि इन दोनों से दुश्मन कोई बड़ा है ये नहीं है इन दोनों के बीच में। और ये लोग मतलब ना इस पब्लिक को जनता को मतलब ये लोग बस बुद्धू बनाने का काम करते हैं, आप लोग समझते हैं का है वो, इसलिए कि लाइव आके तो बोल देती है अनुपमा यादव कि गोलू राजा ने ये किया वो किया, फिर गोलू राजा आते हैं माफी भी मांगते हैं, कई सारे मीडिया जाते हैं वहां तो गोलू राजा कुछ बोलते हैं, लेकिन आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये लोग क्या करता है। फिर स्टेज पे देखिएगा, कल रात का स्टेज प्रोग्राम है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च मार के देख लीजिएगा गोलू राजा और ये अनुपमा यादव का कल रात का इन लोगों का स्टेज शो है। और कल रात स्टेज शो में ये दोनों मतलब इतना घुल मिल गए हैं, इतना जैसे लग रहा है ना जैसे कोई मतलब मान लीजिए आपस में तो प्यार करने वाले हो ना और बिछड़ जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं तो प्यार दोगुना हो जाता है, उस हिसाब से ये लोग मिल रहे हैं। मतलब लगता ही नहीं है कि झगड़ा हुआ था, ये लोग कभी मिलेंगे भी उस झगड़ा में लग रहा था, लेकिन अब मिलने के बाद लग रहा है ना कि झगड़ा हुआ ही नहीं है इन लोगों के बीच में, ऐसे आपस में एक दूसरे से पेश आ रहे हैं। मतलब आप लोग बस जनता को मूर्ख समझते हैं, अनुपमा यादव है पकड़ पकड़ के इनसे मतलब ऐसा ऐसा बात कर रहे हैं, गोलू राजा दंग है, देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, मतलब लग रहा था कि उस टाइम ये FIR कर देंगे गोलू राजा पे, लेकिन अभी आप देखेंगे इनका रवैया स्टेज पे जाके ना, स्टेज पे जाके ये क्या किए हैं दोनों लोग, मतलब लगता है कि कोई बात विवाद ही नहीं हुआ है, झगड़ा ही नहीं हुआ है, ये लोग बस मतलब जनता को मूर्ख बनाते हैं कि झगड़ा कर दिए, बात विवाद फैला दिए कि मतलब एक होड़ चल जाए और जनता हम लोगों को उस टाइम बहुत ही ज्यादा देखे, और उसके बाद जब ये वायरल वाला सिचुएशन खत्म हो जाए झगड़ा, उसके बाद फिर बढ़िया से मिल जाओ, मतलब ये क्या है, मतलब जनता को मूर्ख बनाने का बस ठीका ले लिया है। आप लोग बस गाना गाने का सही से और स्टेज सही ढंग से करने का ठीका लीजिए, ये सब जनता को मूर्ख बनाने का ठीका मत लीजिए। नेता तो बना ही रहा है जनता को मूर्ख, लेकिन आप लोग भी आके मतलब जनता से खिलवाड़ करेंगे, मूर्ख बनाएंगे इन लोगों को। दोस्तों आप लोग जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं वो आप लोग समझिए और आप लोग मतलब डिसाइड करिए कि इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए, वो स्टेज प्रोग्राम जाके एक बार देखिए और देखने के बाद आप लोगों को मालूम चलेगा कि मतलब क्या होता है, ये लोग क्या मतलब खेला किए हैं, उस टाइम क्या लग रहा था, एक बार उस टाइम का लाइव देखिएगा अनुपमा यादव का, अभी कल रात का इन लोगों का स्टेज शो देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में लास्ट में वो स्टेज शो हम डालेंगे, आप लोग देख लीजिएगा मतलब कैसे घुले मिले हैं ये लोग, सब मतलब देखने से लग जाता है, और उस टाइम बस जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। तो और कुछ नहीं कहना है, आप लोग जनता को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए, और नेता तो मूर्ख बना रहे, आप लोग जनता के दिल से खिलवाड़ ना करें तो अच्छा है, नहीं तो जनता जिस दिन खिलवाड़ करेगा ना तो आप लोग वहां से ना यहाँ आ जाएंगे डायरेक्ट एक बार नीचे, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गए आकाश से एक बार पताल में, तो समझ लीजिए। और जिनको ये वीडियो अच्छा लगा एक बार आकर कमेंट जरूर करिएगा कि क्या ये लोग मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, झूठ-मूठ का गंदगी फैलाओ फिर झगड़ा फैलाओ और मजा लो तंच कसो और उसको फिर वायरल हो जाओ, अपना नाम और ज्यादा कमा लो और उसके बाद फिर घुल मिल जाओ बढ़िया से, ये कोई नहीं, आप लोग ऐसा काम करिए कि झगड़ा ही ना हो, झगड़ा ही मत करिए, ऐसा राजनीति करने का क्या है, इसमें राजनीति मत करिए, आप लोग एक कलाकार हैं, हम आप लोगों का इज्जत करते हैं, आप लोग राजनीति से दूर रहे, राजनीति मत करिए, सबसे मतलब निवेदन है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में आके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों जय हिंद जय बिहार।